नमस्कार, हम हाजिर हैं 12 बजे का कोरोना बुलेटिन लेकर। कोरोना को हराना है, घर पर ही रहना है, न्यूज 18 इंडिया ही ठिकाना है। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास है सबसे बड़ा नेटवर्क, हमारे पास है 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर, जो हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लोकमत, ये तमाम चैनल्स। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, सबसे बड़ा नेटवर्क होने के नाते, हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप घरों पर रहिए, न्यूज 18 इंडिया देखिए। सरकार की मुहिम का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा नेटवर्क जो आपको पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा कोरोना वायरस को लेकर के, हर घंटे हम आप तक कोरोना वायरस का बुलेटिन लेकर के आ रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के फैलने का खतरा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का फैसला किया है। लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों के चैंबर भी सील करने का ऐलान किया है। वकीलों को अपने दस्तावेज हटाने के लिए कल शाम तक का वक्त दिया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस से जुड़ी लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। भीलवाड़ा के एक अस्पताल में 14 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रजेश बांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों में 3 डॉक्टर और 8 नर्सिंग कर्मचारी शामिल हैं। इतनी लापरवाही के बावजूद अस्पताल के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 2 डॉक्टरों को बांगड़ अस्पताल में 5 दिन पहले भर्ती करवाया गया। देखते ही देखते 14 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। हालात बिगड़ने के बाद राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार ने शहर के सभी 75,000 घरों का सर्वे करवाने का ऐलान भी किया है, जिनमें करीब 12,000 घरों का सर्वे करवाया जा चुका है। भीलवाड़ा में अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। भीलवाड़ा में और झुंझुनू में कर्फ्यू लगाना पड़ा सरकार को। ये कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा वहां पे, तत्काल वहां कर्फ्यू लगाया गया। तो अभी जो संक्रमण का दौर है वो तीसरा दौर है और खतरनाक दौर में हम हैं, इसीलिए ये सब कठोर कदम उठाने पड़े। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैदान से पहाड़ों को लौट रहे लोग जगह जगह झुंड में वाहनों के इंतजार में खड़े हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल अल्मोड़ा से आगे जाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है और लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। सर, हम दिल्ली से आए हुए हैं, हम परसों पहुंच चुके थे यहाँ पे। कल हम जनता कर्फ्यू के कारण यहीं पे रुक गए, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, और आज जब हम घर अपने डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ना कोई गाड़ियाँ मिल रही है ना कुछ, हम कैसे जाएं? हम फंसे पड़े हैं यहाँ पे, आधे रास्ते में फंसे हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ छोटा बच्चा है तो हम बहुत परेशान हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे लिए प्रशासन से हमें रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ हमें व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन का असर सबसे ज़्यादा उन मजदूरों पर पड़ा जो बाहर नौकरी करते थे। होटलों ने छुट्टी करके उन्हें घर तो भेज दिया, अब वो जाएंगे कहाँ? अल्मोड़ा तक तो पहुँच गए, अल्मोड़ा आने तक उन्हें न तो प्रशासन ने रोका, न कहीं पुलिस ने रोका। अब पुलिस जो है यहाँ से उन्हें घर जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। कोलकाता में लॉकडाउन के बाद भी लोगों की भीड़ सामान खरीदने निकल पड़ी है। कई जगहों पर बाजारों में भीड़ लगी है, जबकि कोरोना की वजह से लोगों से भीड़ ना लगाने की अपील की गई है। इसके बावजूद लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं और ये तस्वीरें कोलकाता से सामने आई हैं, जहां पर 27 मार्च तक लॉकडाउन है, उसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। आज शाम 5 बजे से कोलकाता हो रहा है लॉकडाउन, और बाजारों की तस्वीर आपको सुबह के समय अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर बाजारों में चाहे फल की दुकानें हो, सब्जियों की दुकानें हो, किराना की दुकानें हो, सभी जगह भीड़ लगी हुई है। लोग खरीदारी करने के लिए सुबह सुबह घरों से बाहर निकल गए हैं। हालांकि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, यानी कि सब्जियां या फिर किराने की दुकानें, दूध, ये सभी खुली रहेंगी, इसके बावजूद बाजारों में आज भीड़ है। क्या लॉकडाउन को देखते हुए आज खरीदारी हो रही है? नहीं, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ की जरूरत है। आप बताइए, क्या लॉकडाउन को देखते हुए सामान ले रही हैं? हाँ, थोड़ा तो वो डर है ही है, और बाकी जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा सामान एक्स्ट्रा लेने ही पड़ता है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं, जबकि कोरोना से के खिलाफ जंग में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जबकि DTC बसें और निजी गाड़ियां भी बंद है, इसके बावजूद लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लोग लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लिहाजा लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन को सीरियसली लें। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के मद्देनज़र जब लोगों को घर पर रहना था तो लोग देखिए कितनी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले हैं। अब मैं ये जो सड़क आप देख सकते हैं बदरपुर बॉर्डर का, ये सीधे सड़क आश्रम की तरफ जा रही है। तो दूसरी सड़क मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे, ये यहाँ पर ये जो सड़क है ये सड़क जो है फरीदाबाद की तरफ जा रही है। और आप इस सड़क पर देखिए हर तरफ आपको दिखेगा लोग ही लोग यहां पर दिखेंगे, और दूसरी तरफ एक कतार दिखेगी डीटीसी बसों की जो कि बंद है। केवल 25% डीटीसी बस ही केवल चल रही है आज दिल्ली की सड़कों पे। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी कवरेज, जी हाँ हम हैं सबसे बड़ा नेटवर्क, 20 चैनल, 1200 रिपोर्टर, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के जरिए हम आपको पल पल की खबर बता रहे हैं। और एक जिम्मेदार नेटवर्क होने के नाते हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए, जो सरकार ने अपील की है उसका समर्थन करिए। दरअसल कोरोना की वजह से बिहार को 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। पटना में प्रशासन के अधिकारी लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील कर रहे हैं। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई बिना काम के बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कोरोना वायरस को लेकर पटना को लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद वरीय अधिकारी सड़क पर उतरे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और यहां पर जो फोर्स की तैनाती है वो अनाउंस कर रहे हैं कि जब ज़रूरत ना हो तो लोग घर से बाहर ना निकले। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिकारी पहुँचे हैं पटना के, कमिश्नर संजय अग्रवाल, हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या आदेश है और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए 90% से अधिक वाहन पटना के सड़कों पर आज नहीं चल रहे हैं। कुछ जो वाहन चल रहे हैं उन सब की पूछताछ अब पुलिस करेगी कि क्यों चल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कहाँ जाना है, और जो भी गैर जरूरी काम से जो लिस्ट किए गए हैं उनके वाहनों को जब्त कर लिया जा रहा है। अभी 50 से अधिक ऑटो को जब्त कर लिया गया है, कुछ मोटरसाइकिल को भी डिटेन किया गया है, कुछ गाड़ियों से भी पूछताछ की जा रही है। केरल के त्रिशूर में पुलिस ने एक चर्च के पादरी को गिरफ्तार कर लिया। चर्च के पादरी पर आरोप है कि उन्होंने शहर में लॉकडाउन होने के बाद भी प्रार्थना का आयोजन करवाया था। इस प्रार्थना में कई लोग शामिल हुए थे, जबकि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने चर्च के पादरी को कानून तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश के शाजापुर में आज दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। पहले दिन जरूर इसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया था, लेकिन अब दूसरे दिन प्रशासन ने लोगों से सभी दुकानें बंद रखने को कहा है। यहां पर 24 मार्च की रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। हालांकि मेडिकल, दूध, फल, सब्जी और किराना जैसी आवश्यक वस्तुओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है, और पूरे शहर में धारा 144 लागू है। कोरोना वायरस के चलते शाजापुर में आज दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। कल जरूर इसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया था, लेकिन अब हालात लॉकडाउन जैसे हैं। आपको दिखा दूं कि बस स्टैंड का वो इलाका है जो अल सुबह खुल जाता है, इसमें कई दुकानें जो है वो होटल्स है, नाश्ते की दुकानें हैं, कुछ खाने की दुकानें हैं। यहाँ पर अमूमन दुकानें 6:30-7 बजे खुलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही रात को प्रशासन ने 25 मार्च तक इस पूरी बंद को लॉकडाउन किया, उसके बाद जो है दुकानें आज सुबह नहीं खुली है। इक्का दुक्का लोग अभी भी बाजारों में निकले हुए हैं, उन्हें शायद इस लॉकडाउन के बारे में पता नहीं है। यूपी के अमरोहा में उस वक्त रेलवे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब गुजरात से आई भुज एक्सप्रेस से उतरे लोगों को हुजूम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच के लिए स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया था, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जांच के लिए तैनात लोग उन्हें काबू नहीं कर पाए, और देखते ही देखते लोगों की भीड़ उन्हें धकेलते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गई। अमरोहा स्टेशन अधीक्षक सरदार सिंह जी मेरे साथ है। हमने देखा कि क्या यहाँ पर भीड़ का एक बड़ा जत्था आया, भुज एक्सप्रेस आई है, क्या हुआ है इसमें? रूटीन चेकिंग हो रहा था, जो लोग बाहर से यात्री आ रहे हैं अमरोहा स्टेशन में उनका जो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, उनको सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए जा रहे हैं और ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर टेस्टिंग हो रहा है। तो इसलिए है कि कोई बाहर से संदिग्ध तो नहीं है किसी प्रकार का। जैसे काफी लोग ऐसे थे जो भीड़ में धक्का दे के आप लोगों को निकल गए, उनका क्या होगा?
वहाँ चेकअप नहीं हो पाया। अभी आप देख रहे थे कि हमने कंट्रोल तो किया था, वो लोग निकल गए जैसे चेकअप हुआ। अगर कोई सूचना मिलेगी तो रिपोर्ट की जाएगी सीएमओ को, वहाँ से उनको चेकअप किया जाएगा। जी जी हाँ, कोरोना को हराना है, घर पर ही रहना है, न्यूज 18 इंडिया ही ठिकाना है। कोरोना की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन है, जिसके बाद उत्तराखंड के लोगों ने अपने राज्यों में लौटने लगे हैं। उत्तराखंड के रहने वाले कई लोग दूसरे राज्यों से ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां प्रशासन ने उनकी कोरोना जांच की, जिसके बाद ही उन्हें जाने दिया गया। ऋषिकेश के ISBT में अलग अलग राज्यों से लगभग 1000 के आसपास जो लोग हैं वो आ चुके हैं, और लॉकडाउन होने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो अपने घरों तक पहुंचने की आ रही है। हालांकि प्रशासन इनको घरों तक पहुंचाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी कैसे। यूपी के पीलीभीत में कोरोना के कहर को रोकने के लिए अब बीजेपी के विधायक भी सामने आने लगे हैं। यहाँ बीसलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक रामशरण वर्मा ने हवन पूजन कर कोरोना से निपटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। कोरोना की वजह से कश्मीर घाटी को लॉकडाउन किया गया है, जिसके बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र आज कश्मीर घाटी में पूरा लॉकडाउन है। प्रशासन ने कहा है कि 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लाल चौक एरिया में हैं, जो क्लॉक टावर का एरिया है, जम्मू कश्मीर का दिल कहलाया जाता है, कमर्शियल हब है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आम जिंदगी ठप होके रह गई है, कहीं पर भी लोगों की मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। जगह जगह पर CRPF और पुलिस ने तारबंदी की है, बैरिकेड्स खड़ा किए हैं ताकि लोगों की मूवमेंट को रोका जाए। अक्सर लोग इस वक्त घरों में हैं। हालांकि कुछ खबरें कुछ एरिया से ऐसी आ रही हैं कि कहीं पर लोग बाहर भी हैं, लेकिन अभी प्रशासन ने सख्त हिदायत दिए हैं कि लोगों को घरों में बैठना चाहिए और इस बीमारी पे उससे काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट में रहने से फैलता है। अभी जब श्रीनगर में एक पॉजिटिव केस सामने आया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई। खासतौर से श्रीनगर में आज 5वां दिन है लॉकडाउन का। उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद ऋषिकेश ISBT पर अपने घर पर पहुंचने के लिए लोगों का तांता लग गया है। हालात ये हैं कि बस अड्डे पर हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाकर एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, जिससे किसी के भी कोरोना से संक्रमित होने के खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए कोई व्यवस्था तक नहीं है, जिसकी वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। ऋषिकेश के ISBT में अलग अलग राज्यों से लगभग 1000 के आसपास जो लोग हैं वो आ चुके हैं, और लॉकडाउन होने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो अपने घरों तक पहुंचने की आ रही है। हालांकि प्रशासन इनको घरों तक पहुंचाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इतने लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी कैसे। किसी के भी साथ हो सकता है हादसा, देखिए सिर्फ